एवरीवन, वेलकम ओ वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतीक्षा एंड आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है मेरे पुराने अपलोड से। सो आई यूजुअली अपलोड स्टडी टिप्स, प्रोडक्टिविटी हैक्स एंड वो सारी चीजें, बट नाउ दैट आई एम फाइनली डन विद माय स्टडीज, आई विल बी टेकिंग छोटे छोटे स्टेप्स टुवर्ड्स लाइफस्टाइल एज वेल। सो आई एम अ गर्ल आफ्टर ऑल, आई लव स्किन केयर, आई लव मेकअप, आई लव फैशन, ज्वेलरी, एवरीथिंग एल्स लाइक अ नॉर्मल गर्ल। So I thought that I should really start sharing all these things with you guys as well. So today's video is going to be a skincare video. I bought 20 products from Amazon that are under 200. Most of them I have used before, kuch first impressions honge. So I will show all of that to you. Also, मेरी लिस्ट इनकम्प्लीट है विदाउट स्टेशनरी एंड प्रोडक्टिविटी हैक्स एंड स्टडी टिप्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई विल मेक श्योर दैट देयर इज अ गुड बैलेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड वो सारी चीजें एंड स्किन केयर एंड लाइफ स्टाइल। सो ये इम्बैलेंस मैं नहीं होने दूंगी एंड स्टेशनरी इज माई फर्स्ट लव, सो आई कैन नेवर नेवर एवर गेट रिड ऑफ दैट एंड स्टेशनरी विल बी प्रीडोमिनेंट ओवर ऑल ऑफ दिस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इट। सो जब स्किन केयर की बात आती है, द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लीन अप फेस एंड फॉर द फेस वॉश आई हैव बायोटिक बायो हनी जेल फोमिंग फेस वॉश, दिस इज द वन। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट इम्प्रेशन, मैंने ये पहले यूज नहीं किया है। आई एम करंटली यूजिंग हिमालय का नीम प्योरिफाइंग फेस वॉश, माई होली ग्रेल, बट आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग एल्स उसी रेंज में, सिमिलर रेंज में, एंड आई थिंक हिमालय एंड बायोटिक ये दो ऐसे ब्रांड्स हैं जो अफोर्डेबल येट वेरी वेरी इफेक्टिव वाले कैटेगरी में आते हैं। सो या, दिस इज माई फर्स्ट पिक। The second product I have is this Garnier Micellar Cleansing Water. This is the one. So I have used this before. This is my second bottle. Removes makeup, cleanses, soothes, no rings off. So what I really like about it is this on my lazy days, जब मुझे वो पूरा face wash करने की इच्छा नहीं होती, although एक अच्छी habit नहीं है, I just take a cotton pad, pour some of it on it and I just clean my face and ये एक miracle की तरह सारा dirt और makeup आपके face से निकालता है। And trust me, if you do not use makeup very regularly, like वीक में एक दो बार, सो दिस बॉटल विल लास्ट यू फॉर एवर। मेरी पहली वाली बॉटल एक साल से चल रही है एंड नाउ अभी वो खत्म होने आई है, बट या दिस इज अ रियली रियली गुड वन। सो इफ यू हैवंट ट्राइड दिस, आई वुड हाईली सजेस्ट यू गिव इट अ ट्राई। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज स्क्रब्स एंड आई हैव टू रिकमेंडेशंस फॉर यू। द फर्स्ट वन इज दिस गुड वाइब्स रोज एंड जेरेनियम स्किन टाइटनिंग स्क्रब एंड दिस आई लव दिस प्रोडक्ट। दिस इज माई सेकेंड बॉटल, सेकेंड टब एंड इट हैज अ वेरी क्रीमी टेक्सचर्स का स्मेल बहुत अच्छा है। ग्रैनुल्स थोड़े से हार्श है, सो इट इज नॉट एन एवरीडे स्क्रब, तो आप इसको वीक में दो बार या मैक्सिमम तीन बार यूज कर सकते हो। बट गुड वाइब्स इज अ ब्रांड जो मैंने बहुत रिसेंटली एनकाउंटर करी एंड आई वाज लाइक इतना सस्ता मे बी कुछ लोचा होगा, बिकॉज इतने सस्ते यूजुअली प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं स्किन केयर में जिनके रिव्यूज बहुत अच्छे हो। बट व्हेन आई ट्राइड दिस, ट्रस्ट मी यू गाइस, इट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई फेल इन लव विद दिस ब्रांड फॉर एन अफोर्डेबल प्राइस। द क्वालिटी इज अमेजिंग एंड आई थिंक यू शुड रियली गिव इट अ ट्राई। आई रियली लव द स्मेल ऑफ इट एंड टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। सो या, दिस इज माई फर्स्ट रिकमेंडेशन। सेकेंड रिकमेंडेशन इज समथिंग दैट आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट इज बेला वीटा ऑर्गेनिक एक्सफोलिएट बॉडी एंड फेस स्क्रब। नाउ द कूलेस्ट पार्ट अबाउट इट इज ये एक ड्राई स्क्रब है, ओके। सो यू हैव टू मिक्स दिस विद आइदर मिल्क और योर फेस वॉश और जस्ट प्लेन वाटर जेल और एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू। एंड मैंने ऐसा स्क्रब अभी तक तो नहीं देखा है एंड आई रियली वॉन्ट टू फॉल इन लव विद दिस वन बिकॉज ये बहुत कूल लगा एंड इट हैज वॉलनट, कॉफी, कोकोनट ऑयल एंड रॉक सॉल्ट इन इट। तो इन चारों का मिक्सचर है इसमें, विच यू विल हैव टू मिक्स विद समथिंग एंड देन अप्लाई आइदर ऑन योर फेस बॉडी एंड दिस इज लाइक अ न्यू परचेज। द नेक्स्ट कैटेगरी आई हैव इज फेस मास्क एंड संडे को चिल करना विद अ फेस मास्क ऑन इज माई फेवरेट थिंग टू डू। सो आई हैव क्वाइट अ फ्यू परचेजेस इन दिस कैटेगरी। सो द फर्स्ट वन आई हैव इज दिस एवर यू टैन रिमूवल फेस पैक इन द चॉकलेट एंड चेरी वर्जन। अगेन ये मेरा सेकेंड परचेज है एंड आई हैव यूज दिस बिफोर जब बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर हो जाता था एंड आई वॉन्टेड अ डी टैन, सो आई यूज दिस वन एंड दिस वन डज द जॉब। लाइक बहुत कोई फैंसी नहीं है ये, बट फॉर द प्राइस इट इज डिसेंट एंड इट वर्क्स वेल, सो इट इज अ वैल्यू फॉर मनी आई वुड से। सो या, दिस वन इज माई फर्स्ट परचेज इन दिस कैटेगरी।
The second face mask I have is my holy grail and it is more like mamma ka ghar ka bana hua face pack waisa feel deta hai and it is the Himalaya purifying neem pack. ये लगाने के बाद like this one sucks the dirt out of your face and I really like the glow I get after applying this one. तो ये अगर मैं कोई एक face pack सबसे ज़्यादा regular use करती हूँ, so it is this Himalaya neem pack. So neem के बहुत सारे face packs आते हैं and 500, 700, 800 के भी आते हैं. But I think this 90-100 rupees face pack does the job pretty well and neem अगर आपको variant चाहिए, so you should definitely give this one a try. The next face pack I have is a first impression and it is this Lotus Herbals Clay White Black Clay Face Pack. So I have not used this one before, but Lotus Herbal ka sunscreen I used to use back when I was in school, okay? And it was and it was a really good one. So Lotus Herbal is a trusted brand and maine clay mask pehle ek कोई तो ब्रांड का यूज किया है, वो 500-600 का था, बट दिस वन इज अंडर 200 विच इज अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. सो आई रियली वॉन्ट टू लाइक दिस वन एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज. द लास्ट फेस पैक आई हैव फॉर यू इज द खादी नेचुरल हर्बल फेस पैक एंड इट कम्स इन दिस रियली क्यूट पैकेजिंग. आई वुड से मैंने ये इसके पैकेजिंग के लिए परचेज किया बिकॉज मुझे ये स्टील का छोटा सा डब्बा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था. नाउ दिस इज खादी एंड रोज वर्जन. सो इसके अंदर यू हैव द पाउडर, अगेन अ ड्राई फेस मास्क दैट यू कैन सैंडलवुड रोज, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, दैट यू कैन मिक्स विद मिल्क वाटर कर्ड रोज वाटर और एनीथिंग लाइक दैट. सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग. दिस इज अगेन अ फर्स्ट इम्प्रेशन. आई हैव नॉट यूज दिस बिफोर बट आई हैव हर्ड सम गुड रिव्यूज अबाउट इट. सो येस, दिस इज माई लास्ट रिकमेंडेशन इन द कैटेगरी फेस मास्क. इन द फेस मास्क कैटेगरी आई ऑल्सो हैव दिस लैक्मे शीट मास्क. सो मैंने शीट मास्क लैक्मे का तो आज तक यूज नहीं किया है, बट आई हैव यूज्ड गार्नियर, आई हैव यूज्ड गुड वाइब्स एंड अ फ्यू अदर ब्रांड्स, बट लैक्मे का आई हैव नॉट यूज्ड बिफोर एंड द कीवी वर्जन वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी, सो आई बॉट दिस वन. सो या, सो द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज द टोनर्स एंड फॉर द टोनर्स आई हैव दीज टू गुड वाइब्स टोनर. सो आई हैव द वेरिएंट नीम एंड तुलसी एंड द राइस टोनर. मैं पास एक साल से यही टोनर यूज कर रही हूँ, बीच में एक कोई नया ट्राई किया था, बट देन आई एम यूजिंग दिस वन. आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड अप द पोमेग्रेनेट वन एंड करंटली यूजिंग द ग्रीन टी वन, जो भी खत्म होने आया है. गुड वाइब्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ एंड दे आर अ रियली गुड ब्रांड, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये स्प्रे वर्जन में आते हैं, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे को वो कॉटन में लेकर उसको धीरे धीरे डैप करने में बहुत आलस आता है. सो लाइक ये उठाती हूँ एंड आई एम रेडी टू गो. सो दिस इज व्हाई आई लव दीज टोनर्स. द नेक्स्ट कैटेगरी इज सीरम्स एंड फॉर द सीरम्स आई अगेन हैव गुड वाइब्स. सो गुड वाइब्स में आई हैव दिस रोज हिप सीरम एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन इन माय मार्च फेवरेट्स एज वेल. आई हैव टोल्ड यू गाइस कि मुझे कितना ज्यादा पसंद है इसका खुला हुआ पैकेट ये रहा, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस. सो ये एक ड्रॉप बॉटल में आता है एंड इट गिव्स अस अ रियली रियली नाइस ग्लो, एक बहुत ज्यादा अच्छा ग्लो देता है ये सीरम. सो आई अप्लाई इट ऑलमोस्ट डेली एंड आई एम इन लव विद दिस रोज हिप वन. दिस इज लाइक माई एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फेवरेट. द सेकेंड सीरम आई गॉट इज अगेन from Good Vibes and it is the Vitamin C and B3 Skin Glow Face Serum. ये भी मेरा second purchase है, मैं इसको use कर चुकी हूँ and again बहुत अच्छा है, consistency भी इसकी काफी अच्छी है and for the price I think it is a steal deal. So yeah, this is my second serum. So the third one I have for you is from L'Oreal, but this is not under 200. This was for around 400 or 450, but I really wanted to include this one because I got isi wale purchase mein. So this is the L'Oreal Paris Revitalift 1.5 Hyaluronic Acid Serum. Ye basically maine mummy ke liye mangaya hai, unko kuch acha wala serum chahiye tha. So I got this one. I have not used this before, but maine iske bahut zyada acche reviews sune hain and I hope I like this one. बिकॉज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट देन सीरम्स यूजुअली 400-500 की रेंज में होते हैं. गुड वाइब्स आर अ ब्लेसिंग उस चीज में. सो या, दिस इज माई थर्ड रिकमेंडेशन. एंड देन नेक्स्ट आई हैव समथिंग विच इज नॉट रियली अ सीरम बट अगेन फ्रॉम L'Oreal. इट इज द क्रिस्टल माइक्रो एसेंस. ये बहुत ज्यादा छोटा है फॉर 200. आई थिंक दिस इज फॉर एग्जैक्ट 200 और 199. और मैंने ये पहले कभी यूज नहीं किया है, बट मेरे को हमेशा से ऐसे चुल रहती थी कि मेरे को ये ट्राई करना है. सो दिस इज समथिंग यू अप्लाई आफ्टर योर टोनर बट बिफोर योर सीरम और समथिंग लाइक दैट. अरे ये निकल क्यों नहीं रहा. ओके,
तो ये काफी छोटा है एंड इट हैज अ वाटर लाइक कंसिस्टेंसी एंड इसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा था या दैट इसको कॉटन पैड पे नहीं लेना है, इसको जस्ट हाथ पे लेके फेस पे डैप करना है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस वन आउट एंड आई विल लेट यू गाइस नो इफ इट इज वर्थ द प्राइस और नॉट, बट आई वांटेड टू ट्राई एंड आई गॉट इट. द नेक्स्ट कैटेगरी इज जेल्स एंड आई हैव टू जेल्स फॉर यू. द फर्स्ट वन इज एलोवेरा जेल फ्रॉम खादी नेचुरल्स. सो इससे पहले मैंने पतंजलि एलोवेरा जेल तो बहुत यूज किया है बट आई वॉन्टेड टू ट्राई अ डिफरेंट वन. सो दिस इज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट जेल एंड काफी अच्छी क्वांटिटी आती है फॉर द प्राइस, बट इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, लाइक एक बहुत अलग सी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है जो अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं टू स्मेल्स उनको शायद ये नहीं जमेगा बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग स्मेल, बट इफ यू आर नॉट वेरी सेंसिटिव फॉर द स्मेल दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट, अ रियली गुड क्वालिटी. सो या दिस इज द फर्स्ट जेल. द सेकेंड जेल आई हैव इज अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स एंड इट्स द ऑरेंज जेल. सो एलोवेरा जेल्स काफी फेमस है बट ऑरेंज और ये सारे अलग अलग वेरियंट्स नहीं मिलते हैं यूजुअली, but good vibes have some really wide variety. So I got this orange gel from them. I have not used it before and I'm hoping to mix it up with my face packs or scrubs or like jo maine aapko dry scrub dikha tha, maybe uske saath this will work nice. So yeah, this is my first purchase and let's see how this one goes. Okay, so the next item I have is this Pond's Super Light Gel Oil Free Moisturizer and oh my god, this is my absolute favorite moisturizer. मैंने बहुत सारे moisturizer past में use किए हैं and I used to keep switching them every month. But जब से मैंने ये start किया है ना, I cannot even think of using any other moisturizer on my face. इसका एक बहुत gel like consistency है जो आपकी skin में बहुत अच्छे से absorb होता है, plus एक बहुत प्यारा effect देता है आपकी skin को and मैं दिन में 4-5 बार इसको लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है. यू नो इसका टेक्सचर इतना प्यारा है एंड या ओके, ये जो डब्बा है ना वो बड़ा वाला डब्बा है, सो दिस इज अबव 200, बट इसका जो छोटा वाला वर्जन आता है विच आई कुडंट गेट बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक ऑन एमेजोन एट दैट मोमेंट, वो अंडर 200 ही है. ठीक है, सो या दिस इज अ रियली रियली गुड वन इफ यू लुकिंग फॉर अ वेरी लाइट मॉइस्चराइजर. नेक्स्ट वन आई हैव इज अ सनस्क्रीन एंड इज द न्यूट्रोजीना अल्ट्रा श्योर ड्राई टच सनब्लॉक. ये भी मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ एंड ये सनस्क्रीन इज द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर मी पर्सनली, बिकॉज बहुत सारे सनस्क्रीन एक व्हाइट कास्ट छोड़ देते हैं एंड सन में जाने के बाद आपको बहुत स्वेटी लगने लगता है, बट दिस वन डज नॉट वर्क दैट वे. ये एक बहुत अच्छा मैट फिनिश देते हैं मेरी स्किन को एंड आई रियली लाइक इट, आई रियली रियली लाइक इट. Next I have lip balms and for the lip balms the first one I have is this Organic Harvest color lip balm and oh my god I absolutely love the packaging and this is my second purchase. मेरे पास यूज वाला भी है, दिस इज द वन, दिस वॉज द ग्रीन टी वेरियंट एंड अगेन मैं इसके ग्रीन टी वेरियंट से बहुत अट्रैक्ट हुई थी, प्लस का कलर दिस मिंट कलर. इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है एंड एज यू कैन सी आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस वन, ये मेरा खत्म हो चुका है एंड सो आई गॉट अनदर वन इन अ डिफरेंट वेरियंट एंड इट इज दिस पिंक वन, बट ये कलर लिप बाम है सो आई होप ये बहुत ज्यादा डार्क कलर ना दे बिकॉज लिप बाम्स में आई यूजली डो नॉट प्रिफर कलर्स, आई वॉन्ट अ वेरी ट्रांसपेरेंट moisturizing one and it does the work of moisturization very well. So yeah, the second lip balm I have is this Himalaya Rich Cocoa Butter Lip Care. Now I have used Himalaya ka products bahut sare pehle but lip balm maine kabhi try nahi kiya hai, so this is going to be a first impression and I really hope ki ye wo waxy feeling na de because bahut sare aise lip balms hote hain jo lagane ke baad bahut heavy feeling dete hain as if isse wax supply kiya hai ki nahi. I just really hope ki ye waisa feel na de and ek moisturizing effect ho and there is nothing more I can expect from such an affordable lip balm. So yeah. So the last item I have for you is something that I am planning to include into my skincare. And जैसे कि अब तक आपको पता था कि मैं बहुत लेजी हूँ एंड एडिंग एन आई क्रीम टू माई स्किन केयर वॉज अ ह्यूज सेट फॉर मी. सो बहुत सारी आई क्रीम थी बट दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड फाइंडिंग समथिंग अंडर 200 वॉज अ बिग टास्क फॉर मी, बट देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस काया यूथ हाइड्रो रिप्लेनिश आई जेल एंड आई रेड रिव्यूज अबाउट इट एंड द रिव्यूज वर प्रिटी ग्रेट. सो आई विल जस्ट शो यू द ट्यूब, इट इज अ वेरी छोटू सा ट्यूब, इतना सा ट्यूब है बट देन आई जेल के लिए आपको चाहिए ही लाइक अ पी साइज ड्रॉप. सो आई थिंक दिस वर्क्स फाइन एंड मैंने ये हल्का सा ट्राई किया था अप्लाई करने का एंड इट गिव्स अ वेरी मॉइस्चराइजिंग अ वेरी कूलिंग इफेक्ट. आई डो नॉट नो कि ये डार्क सर्कल्स पे काम करेगा कि नहीं बिकॉज
ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि डार्क सर्कल्स पे ऐसे मिराकली कोई चीज काम कर सकती है, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प मी टू कीप माय अंडर आई स्किन वेरी सॉफ्ट सपल एंड मॉइस्चराइजिंग. So these were my 20 products that I brought from Amazon, and let me know which one did you like, and also let me know if you like the video. Please do not forget to subscribe to my channel. If you like this video, give it a like, share, and definitely please subscribe. मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग comments करते हो, subscribe करते हो, दिल garden garden हो जाता है. And thank you so much for watching this video. Bye.